अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका एम के डी चैनल में खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की एक अहम खबर पर। निज़ामबाद के करीब एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 7 अफराद बरसरे मौका हलाक हो गए, जिनकी नमाज जनाजा आज सईफा मस्जिद आज़मपुरे में अदा की गई, जिसमें रुकन असम्बली मलकपेट जनाब अहमद बलाला के अलावा एम बी टी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने शिरकत की। वाज रहे कि इस सड़क हादसे में जो जाने गई उनके एक्स ग्रेशिया की रिमांड जनाब अमजदुल्ला खान की जानिब से की गई। नाज़रीन, मैं आप तमाम देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि उनकी मगफरत की दुआ करें। देखिए साहब, हमारे मूसा नगर चादरा घाट के और एक फैमिली विनायक वेदी जो बाजुक में बस्ती आती है, दो फैमिलीज़ मिलकर जो है नांदेड़ की दरगाह से वापस आ रहे थे। कल सुबह के अवलिन वक्तों पे जो है एक उनकी जो कॉलिस गाड़ी में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। सुबह के वक्त में बहुत ज़्यादा ओस रहता वो रोड पे, तो ओस में जो गाड़ी ठहरी हुई है वो गाड़ी दिखी नहीं, ये गाड़ी ले जाकर उसको बैक से मारी, जिसके अंदर जो है 7 लोग मर गए, 2 जने जो है सीरियस है। तो जो एक जो इमरान आमिर ताज जो बच्चा मरा, वो हमारे अफजल ताज बोल के है, हमारे एमबीटी के बहुत सीनियर लीडर गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब के जब के दौर के हैं उन्हों, और मैं जब दो हम यहाँ पर जब कारपोरेटर थे हमारे साथ भी ये बच्चा आमिर ताज भी बहुत काम किया। तो बड़ा अफसोस है, ये हादसा नहीं होने का था, हो गया, अल्लाह ताला उनके